आमंत्रित हैं उपार्ड राजेश बल्के जी। वर्तमान में आप महाराष्ट्र के नागपुर व आसपास के जिलों में अपनी टीम के साथ सक्रियता के साथ कार्य आप गोंडवाना भवन ठिकरापारा में आए सभी पारी के सगाओं के पुरखा बहनों को सेवा 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 जोड़ा। साकोली नाटे गोंडवाना नन्ना मैकेनिक पारी कोपर लिंगो विमान पेन और लंका कोट के रावी पुरखों को ध्यान में रखते हुए आप आज आप सभी के सामने में जनजातियों की आर्थिक स्थिति और कैसे हम आर्थिक सशक्त स्वावलंबी जनजाति बन सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे। आज 2019 वर्ष तक जनजातियों की आर्थिक स्थिति देखें तो आज भी हमारे उद्धार और उन्मूलन के लिए बाहर से डोनेशन आता है, पैसा आता है बाहर से, या फिर सरकार कुछ पैसा अपने जनजातियों के विकास के लिए बाहर बाजू में करके निकाल के रखती है। आज के 2019 तक देखें तो हमारे जनजातियों का शैक्षणिक स्तर जो है वो है 59% पूरे भारत देश का 59%। व्यवसाय में हमारा प्रतिनिधित्व है 3.5% के आसपास। कला क्षेत्र में तो 0% से भी कम है। खेलों में देखें तो 1% से भी कम है। खेलों में हम देखेंगे तो झारखंड के जो युवा है हॉकी के युवा है हॉकी के या फिर ओडिशा के भी कुछ युवा है वो खेल में है। बाकी राज्यों से देखेंगे हम तो खेल में किसी का प्रतिनिधित्व नहीं दिखता है, जबकि राज्यों में भील समुदाय का होना चाहिए, गोंडों में भाल कमान का होना चाहिए, भाला फेंक गोला फेंक इस तरह से उनका प्रतिनिधित्व खेलों में। सरकारी रोजगारी में अगर हम हमारे जनजातियों का प्रतिनिधित्व देखें तो वो 3% रहना चाहिए, 7.5% रहना चाहिए हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से जितनी हमारी जनसंख्या है भारत देश में, पर वो उतना भी नहीं है। और जितनी अभी संख्या है रोजगारी में वो 3% से भी कम। जनजाति के विकास की सरकार के साथ एनजीओ भी है, उधर में सभी क्षेत्र आते हैं, व्यवसाय खेती पढ़ाई रोजगार कला संगीत सामाजिक जैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिससे हम अपने समाज का विकास कर सकते हैं। हर राज्य के आर्थिक बजट के में जनजातियों के लिए कुछ निवेश पैसा जो होता है वो सरकार बाजू में निकाल कर रखती है कि उनका विकास कुछ लगे। तो यह जो पैसा होता है वो हर 5 साल में जब नई सरकार बनती है उनका बजट सत्र होता है तो वो हर अपने बजट सत्र में 5 साल के लिए कुछ पैसा निकाल के रखती है। अभी हमारे जनजातियों के युवाओं को अभी भी पता नहीं होगा कि वो पैसा कितना होता उसका आंकड़ा क्या है। जनजातियों को जो विकास के लिए सरकार पैसा निकालती है उसके लिए आंकड़ा कितना है अगर मैं बताऊँ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए इन तीनों राज्यों का मिलाकर कुछ 5-6 हज़ार करोड़ में होता है। कितना? 5-6 हज़ार करोड़। हमारी अगर इन तीनों राज्यों की अगर जनसंख्या देखें तो ये कुछ करोड़ों में 10 करोड़ भी नहीं होती, 10 करोड़ तो पूरे भारत देश की होती है। 1000 करोड़ हमें हमारे विकास के लिए मिलता है और पूरे भारत देश की बात करें तो 1 लाख करोड़ के ऊपर चला जाता है ये खर्च विकास के लिए। विकास ये पैसा जाता कहाँ है? हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं क्या उनको पता है कि आपके विकास के लिए आपके ग्राम सभा के विकास के लिए आपके लोगों के विकास के लिए सरकार ने इतना पैसा निकाल के रखा है बाजू करके रखा है? क्या हमारे सगा यह जो बात है पैसों की कि हमारे समाज के लिए इतना पैसा निकलता है क्या यह बात हमारे लोगों तक पहुंच रही है? जवाब तो नहीं है, इसका जवाब नहीं है। हमें भी पता है कि हमारे युवा जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि वो पैसा कहाँ से, या फिर ये बता भी होगा तो भी ये सोचते होंगे कि इतना पैसा आ तो रहा है पर हम इसका इस्तेमाल कैसे करें। आपने एनजीओ का नाम सुना है,
एनजीओ जो ज़्यादातर विविध समाजों के लिए कार्यरत रहती है। तो हमारे जनजातियों के लिए भी विविध एनजीओ है जो कार्य करते रहते हैं। इन एनजीओ को पता रहता है कि ये पैसा कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक, अभी हमारे जनजातियों को और भारत देश को आज़ाद हुए 70 साल हुए हैं, अभी भी हमारी स्थिति अच्छी से बदतर होती जा रही है। पहले हम अच्छे थे, हमें इतनी तकलीफ दयनीय अवस्था नहीं थी, पर अभी जैसे जैसे ये स्वतंत्र होने के बाद जो घटनाएं होती जा रही है उससे हमारा विकास, जो पहले हम सभ्य थे, विकास था वो स्तर कम होते जा रहा है। ग्राम सभा का, गांव राज्यों का, गांव का, जिलों का। हम ये मानते हैं कि जनजातीय जो समुदाय है वो प्रकृति पर निर्भर है। हमारे खाने पीने से लेकर जीविका के लिए जो भी हमारे जीने के लिए लगते हैं जनजातियों को, वो हम प्रकृति से ले लेते हैं। पर आज के ज़माने में अगर हमें जीना है और बाकी समुदायों के साथ, मतलब विविध धर्मों के साथ अगर कंधों से कंधा मिलाकर आगे चलना है, तो क्या हम सिर्फ प्रकृति पर निर्भर रहे? बताइए, इसका जवाब दीजिए। क्या हम प्रकृति पर सिर्फ निर्भर रहना चाहिए? हमारे लिए भारत सरकार कई हजार गुना करोड़ पैसा देती है, फिर भी इतना पैसा होने के बावजूद हम सिर्फ प्रकृति के ऊपर ही जीविका निर्भर रहने की सोचते हैं। तो यह नहीं होना चाहिए। पैसा आ रहा है आज के ज़माने में, पहले प्रकृति पर निर्भर थे वो बात अच्छी थी, क्योंकि उस ज़माने में पैसा नहीं था। उस ज़माने में हमारी गण व्यवस्था थी जिससे हम हमारे जो गण लोग हैं, गण विविध गण हैं, उनमें हम आपसी व्यवहार करके हम जीते थे। यानी इसके वजह से कैसे होता था, आपसी इसमें सभी गण खुशहाली से रहते थे। पर आज की व्यवस्था में बात अलग है। आज पैसा सबसे मायने रखता है। जनजाति प्रकृति पर निर्भर है, वो प्रकृति की हालत क्या हो रही है इसके बारे में आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, ये आपको आंखों के सामने दिख रहा है। बराबर, अभी अगर हमें पेड़ लगाने हैं तो भी पेड़ खरीदना पड़ता है और लगाना पड़ता है, ये हमारी सिचुएशन हो रही है। बराबर, अर्थव्यवस्था के बारे में बात करना चाहूँगा। पहले जो अर्थव्यवस्था थी, मतलब पहले पैसे जो ऐसा एक सिस्टम था वो नहीं था, तो जनजाति की अर्थव्यवस्था के बारे में अभी बताया मैंने, गण व्यवस्था थी और गण व्यवस्था में आपसी व्यवहार हम रखते थे, तो उससे हम अपना उधर निर्वाह करते थे। आज के ज़माने में अगर हम अर्थव्यवस्था का डिफाइन करेंगे, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी डिफाइन करेंगे जनजातियों की या फिर विशिष्ट समुदाय की, तो क्या होनी चाहिए? भारत देश की अर्थव्यवस्था है ऐसे सभी लोग सोचते हैं, भारत देश की इकोनॉमी। बराबर, भारत देश की इकोनॉमी सभी लोग सोचते हैं, पर क्या यह बात सही है? भारत व्यवस्था है क्या? कलेक्टिव वर्ड ये दुनिया के लिए है, पर हम भारत देश में रह के अगर सोचेंगे तो भारत देश की अर्थव्यवस्था यह नहीं है। भारत देश में विविध समुदाय रहते हैं, हर समाज के लोग रहते हैं हमारे साथ में, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, इस्लाम, मुस्लिम और ईसाई, हिंदू, सभी लोग रहते हैं वो, और अपने समाज के विविध समाज से बिलोंग करते हैं। हम अपने कोयतुरियन समाज से हैं। ठीक है, तो अगर मैं भारत देश की अर्थव्यवस्था को डिफाइन करूँ, बताऊँ आपके सामने, इस पर विचार किया मैंने तो आपके सामने रख रहा हूँ। भारत देश की अर्थव्यवस्था यह भारत देश में रह रहे विविध समाज के अर्थव्यवस्था है, जो उस समाज में चल रही है अर्थव्यवस्था, जो सिस्टम चल रही है विविध समाज में, उनके हम अपने जनजातीय लोगों को देखेंगे। आपको कहीं दिखता है अर्थव्यवस्था ऐसी? नहीं दिखता। हम सवाल भी पूछेंगे कि
आपको ऐसा कोई आदमी पता है कि अपने जनजातियों में से जिसने बड़ा बिजनेस किया है? एक तो होंगे, 10-12 होंगे, उन विविध समाज के, बाकी समाज के लोगों के लाखों करोड़ों में, उनकी जनसंख्या ही करोड़ों में और उतनी है, मतलब 90% के ऊपर सोच के चलिए कि उनके लोग व्यवसाय करते हैं या फिर स्वावलंबी है। तो हमारे जनजातीय लोगों ने क्या करना चाहिए? क्या लगता है कि आपको हमारी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, मतलब विविध समाज की अर्थव्यवस्था है अभी मैंने बताया, तो हमारे जनजातीय समाज की अर्थव्यवस्था के बारे में आप बनाना हो तो क्या कहना चाहेंगे? माइक है, प्लीज बताइए आप। ठीक है, कोई किसी को बताना हो तो जल्दी। अर्थव्यवस्था हम कैसे बनाएं, क्या करें हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए या फिर बनाने के लिए, जल्दी चर्चा करें। तो आदिवासी समुदाय क्या व्यवसाय करने से कतराता है? तो मेरा मानना यह है कि अगर आदिवासी समुदाय को आर्थिक दृष्टि से अगर मजबूत किया जाए तो कहा जाए कि आदिवासी समाज व्यवसाय की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दे और अपने शिक्षा की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दे। तो बात नहीं पहुँची है, मतलब उनको वो आपको सोल्यूशन बताना चाहूँगा। ठीक है, इस बारे में हम सोल्यूशन के ऊपर चर्चा करेंगे, प्रॉब्लम तो आपको सबको पता है क्या है। जनजातियों की अर्थव्यवस्था अगर बनानी है तो एक सोल्यूशन यह है, अपने समाज का पैसा अपने ही समाज में लगाए, बराबर, अपने ही समाज का पैसा अपने ही समाज में लगाए। अब आप सोच रहे होंगे कि यह अपने ही समाज का पैसा अपने ही समाज में लगाएंगे तो कैसे, मतलब हम अर्थ क्या होते हैं, आर्थिक सशक्त कैसे होंगे, बाकी समाज के लोग भी उनका खुद का पैसा अपने समाज में लगाते हैं और अपने दूसरे समाज का पैसा भी लेकर अपने समाज में लगाते हैं, ये बात तो आप जानते हैं। अच्छा ठीक है, समय हो गया है, मैं आपको एक फाइनल सॉल्यूशन के बारे में बताना चाहूँगा कि समाज का पैसा समाज के पास आए, समाज का अनाज जो हम कुछ बनाते हैं वो हर अपने समाज के व्यक्ति को मिलना चाहिए, जिससे हम ये नहीं कह सकें कि हमारा समाज का व्यक्ति भूखा रहा है, दो दिन की रोटी नहीं मिली, दो दिन का एक वक्त का वो पैसा नहीं कमाए तो भी चलेगा, पर अपने समाज का लोगों को दो वक्त का खाना तो भी मिलना चाहिए, इतनी हमारी हैसियत होनी चाहिए। सेवा जोहार सभी को।